ये तलवार लेके चलते हैं, इनके पास जितने हथियार हैं, चाइना इनको हथियार दे रहा, पाकिस्तान इनको हथियार दे रहा, जब महाराज जी की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए इतना इकट्ठा हुए हैं। अब गुरु जी से मिलाया जाए, उनका हालचाल हमें पता लगे, हमें नहीं पता है वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। फैक्ट्रियां इनके पास हथियार बनाने के लिए, महाराज जी का बीपी भी आई था, शुगर भी आई थी, महाराज जी के पास ना कोई कपड़ा ना दवाई है। अब आने वाले समय में यहाँ लाखों हिंदू इकट्ठा होंगे। महाराज जी तक आज कितने दिन, चार दिन हो गए पता नहीं है, तो महाराज जी का उन्होंने कहा कि आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढ रहे हैं। इन लोगों की वीडियो देखी आप लोगों ने, ये लोग क्या कह रहे हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं और इसने नरसिंहानंद ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी करी है, जो कुछ गलत वर्ड बोले हैं, तो उसमें जितने भी मुसलमान धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके हाथों में तलवारें थी और मुसलमान अपने साथ तलवार लेकर घूमता है और मुसलमानों को चाइना और पाकिस्तान जो है हथियार देता है। ये सोचें इन लोगों की, ये सोच कभी आप लोगों ने देखा है किसी मुसलमान के हाथ में तलवार या कोई भी हथियार? ये जो है ना, पता ना कौन से युग में जी रहे हैं। इन लोगों की वजह से हमारे देश का सुख चैन, सुख अमन जो है सारा खत्म हो चुका है। इनको ये नहीं दिख रहा कि इस काफिर ने, इस गुस्ताखे रसूल ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी गंदी बात, औज़ बिल्ला, हम अपने मुंह से, हम दिमाग में भी नहीं सोच सकते जैसी इसने हरकत करी है। कभी आप लोगों ने देखा है कि कोई भी मुसलमान या कोई भी बिरादरी का है या कोई भी देश का है, कभी हिंदू धर्म को लेकर किसी हिंदू भगवान को या किसी राम को या किसी कृष्ण को या किसी अदर भगवान को किसी मुसलमान ने कुछ गलत बोला है, कुछ गलत कहा है, या जो भी बीत चुका है उनकी हिस्ट्री के बारे में किसी मुसलमान ने आज तक कुछ कहा है? नहीं कहा है। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि तुम दूसरे धर्म की बेइज्जती करो, उनकी इंसल्ट करो और उनको बदनाम करो। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, हमारा धर्म सिखाता है अमन शांति, तुम अपनी जगह अच्छे और हम अपनी जगह अच्छे। तुमने पूरी दुनिया के अंदर देखा होगा कोई भी मुसलमान किसी को पकड़कर या किसी को रोककर या किसी के साथ जबरदस्ती किसी ने इस्लाम को कबूल करवाया हो, किसी ने जबरदस्ती इस्लाम को कबूल किया हो? मुझे ये बता दो, अगर आप लोगों ने कहीं पर इतना सा भी सुना है कि इस्लाम में मुसलमान लोग जो है जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करवाते हैं और लोग जबरदस्ती में आकर इस्लाम को कबूल करते हैं, कहीं आपने देखा? नहीं देखा। क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा जो इस्लाम है, वो सिर्फ यही कहता है जो भी मुसलमान बनेगा वो अपनी मर्जी से बनेगा, किसी की जोर जबरदस्ती नहीं होगी। जो समझदार हिंदू हैं उनको पता है कि इस्लाम क्या है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा है, उन्होंने इस उम्मत के लिए क्या क्या करा। अगर वो चाहते, उनके सामने हर चीज थी, दुनिया की हर एक सो आराम, हर चीज थी उनके सामने, सिर्फ किसके बारे में सोचा? अपनी उम्मत के बारे में। और जितनी बात इस नरसिंहानंद ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा है और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनु के बारे में और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु के बारे में, इन लोगों ने इतना गलत गलत बोला है कि हम कभी अपने दिमाग में या कभी अपनी जवान पर या कभी हम जिंदगी में या हमारी नस्ल की नस्ल कभी ये नहीं सोच सकती जैसे इन लोगों ने कहा है। और अगर तुम्हारे कोई धर्म को लेकर इस तरह की कोई बातें करेगा, अगर आपके बारे में कोई गलत बोलेगा, अगर आपकी सरकार नहीं सुनेगी, पुलिस नहीं सुनेगी, तो आप क्या करोगे? रोड पर उतर कर आओगे, जुलूस निकालोगे, प्रोटेस्ट करोगे, आंदोलन करोगे, कुछ तो करोगे। क्योंकि मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। हमें फ़ख्र है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं और हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निसावर कर भी सकते हैं, अपनी और अपने परिवार की। क्योंकि हमें दुनिया में नहीं रहना है, हमें आखिरत में रहना है और हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाना है और हमें उनकी सुन्नतों पर अमल करना है। अब ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं
कि मुसलमान के हाथ में हथियार थे, तलवारें थी और सरकार मुसलमान को तलवारों का लाइसेंस देती है, हमें लाइसेंस दिया भी नहीं जाता और मुसलमान जो है खुला तलवार लेकर घूमता है। कहीं आप लोगों ने देखा है ये लोग ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं? और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि नरसी नंद को जो है पुलिस ने कहीं छिपा दिया है, हमसे मिलने तक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान भड़के पड़े हैं। और क्यों नहीं भड़केंगे? अगर हम आपके बारे में कुछ गलत कहेंगे, आपके भगवान के बारे में कुछ गलत कहेंगे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? वो तो आला है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बार गुस्ताखी कर चुके हैं लोग। और जो असली हिंदू है, जो समझदार हिंदू है, कभी भी इस तरह की घटिया हरकत नहीं करने का। और जो दिमाग से पैदल होते हैं, भड़काने वाले काम करते हैं, इन लोगों का असल मकसद क्या है? गंदे भाषण देने, ताकि लोगों में विवाद फैले। कभी भी हिंदू मुस्लिम एक होकर नहीं रहे। और ये चाल जो है ना बहुत ही बड़े बड़े लोगों की है। हमेशा याद रखना कि जो भी करता है और वही भरता है, कोई बचाने वाला नहीं आता है। बताओ जरा, आप लोगों ने ये स्टार्टिंग में वीडियो देखी, बताओ कोई आज तक आपने देखा किसी मुसलमान को कि उसके पास तलवार लेकर जा रहा है, उसके घर में तलवार रखी है और उसको चाइना पाकिस्तान हथियार दे रहा है? हमें फकर है कि हम भारत के हैं। हमारे जवान पर कभी यूं नहीं आता कि तुम पाकिस्तान से आए हो, या तुम बांग्लादेश से आए हो, या तुम्हें चाइना मदद कर रहा है, या इसराइल मदद कर रहा है, या फिलिस्तीन मदद कर रही है। पर हमारे मुंह पे यार, हम जो है ना, हम कुछ अलग हैं। हम कभी भी लड़ाई करने वाला काम या कोई भड़काने वाला काम कुछ नहीं करते। क्या करते हैं हम? सीधा इस्लाम के रास्ते पर चलते, हमेशा अमन परस्ती रहना चाहते हैं, हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम उनके भगवान को गाली दे रहे हो और हम उनके भगवान को गाली दे रहे हैं, और तुम हमारे अल्लाह के बारे में ऐसा सा कह रहे हो, हमारे पैगंबरों के बारे में ऐसा सा कह रहे हो। पर कभी भी मुसलमान, ये बात याद रखना, और आप लोग देख रहे होंगे, कभी भी मुसलमान ने किसी हिंदू को लेकर या किसी हिंदू के भगवान को लेकर कभी आज तक मुंह से कोई गलत बात नहीं निकाली है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि अगर हम गलत बात निकालेंगे तो ये हमारे हदीस के खिलाफ है, हमारे दीन के खिलाफ है। इस चीज की इजाजत जो है हमारा दीन नहीं देता है। और हिंदू धर्म के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समझदार हैं और उनको पता है कि सब धर्मों की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ ये चाहते हैं कि देश में हमेशा हिंदू मुसलमान का जो है मसला चलता रहे। अगर ये एक हो जाएंगे तो इनका जो नेतागर्दी चल रही है ना, जितनी पॉलिटिशियन खेल है, ये कभी सक्सेस नहीं होने का है। जब नेतागर्दी कामयाब होगी तो ये लोग लड़ेंगे आपस में, उल्टी सीधी बातें करेंगे, और ये विवाद जो है कभी भी खत्म नहीं होने का है। अब मुझे ये बताओ, इस काफिर ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इतना कुछ कहा, पर हम शांत रहे क्योंकि सरकार हमारी सुनी ना रही। अगर इसकी जगह कोई मुसलमान इतनी सी भी बात निकाल देता, बोलने की तो बात अलग है, खाली शायर में भी शायर ही बयान कर देता तो मुफ्ती सलमानी की तरह वो भी जेल में होता, क्योंकि मुसलमान है। मुसलमान अगर इतनी सी भी गलती कर रहा है तो तुरंत जेल में जा रहा है। ये लोग संविधान से नहीं चल रहे हैं, ये संविधान को मान ही न रहे हैं। अगर संविधान से चले ना तो ये हमारे देश में ये जो सब कुछ हो रहा है ना, तो ये नहीं होने का है। ये लोग सिर्फ पक्ष कर रहे हैं, अपने ही धर्म को लेकर ये लोग आगे चल रहे हैं। और संविधान से चले तो ये देश में इतना बड़ा बवाल जो हो रहा है ना, ये नहीं होने का। कोई भी किसी को धर्म को लेकर कोई भी कोई बात करता है, तुरंत उसके साथ एक्शन लिया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए और उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। पर ये लोग मुसलमान को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं, और इनके जो हिंदू धर्म के हैं, जो भी गलत बात करते हैं उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, वाह वही वाह पंडित जी, वाह 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 बाबा जी, क्या ही खूब कहा है, क्या ही जबरदस्त बोला है, ऐसे से इनकी तारीफ करते हैं। अब तुम खुद ये बताओ, जब ये हमारे धर्म को लेकर ऐसा बोल रहे हैं,
तो ये लोग किसी के नहीं है, समाज में इन लोगों की कोई जगह नहीं है, ये हमेशा कभी शांत नहीं बैठ सकते। ये मत सोचो कि हमारे लिए ऐसा काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए भी नुकसान देने वाले लोग हैं। क्योंकि ये जब योगी आदित्यनाथ को ये उल्टा सीधा कह सकता है कि योगी तुझसे जो करना है कर ले, अगर तेरे बस की है ना तो अलीगढ़ पर बिल्डोजर चलाकर दिखा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, जितनी बड़ी बात इस नरसिंहानंद ने योगी आदित्यनाथ के बारे में बोला है, अगर कोई मुसलमान का बच्चा भी इतनी सी भी चूक कर देता तो योगी आदित्यनाथ जो है उस मुसलमान के बच्चे को तुरंत जेल में बंद करा देते और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाता और इसके ऊपर कुछ नहीं लिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ भी वो भी चुप है, इसने इतनी बड़ी बात करी, इज्जत नहीं दी, कितनी बड़ी बात बोली कि अगर योगी तेरे अंदर हिम्मत है तो अलीगढ़ पर बिल्डोजर चला के दिखा। और इसने एक बहुत ही घटिया बात की थी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, उसको भी इनने टेररिस्ट बता दिया कि वो आतंकवादी है। एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश के लिए क्या किया वो तो दुनिया को पता है, इतिहास गवाह है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने ही हमारे देश को कहां से कहां तक पहुंचाया था। और आज उस बंदे को, उस शख्सियत को जिसके ऊपर इतिहास लिखा गया है, आज ये चंद कुछ लोग जिनको समाज में रहने का हक भी नहीं है वो उनको आतंकवादी टेररिस्ट कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं छोड़ लिया ये बंदा तो उस शख्स को कहां से छोड़ देगा, ये बताइए। ये लोग है ना है समाज में गंदी नाली के कीड़े, ये हमेशा जो है गंदी ही बात करते हैं, हिंदू धर्म को भी लेकर और मुसलमान धर्म को भी लेकर। इनका काम ही ये है भड़काना, और कभी भी भाईचारा एक नहीं हो जाए, हमेशा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती रहे। और इसको लेकर देखो पूरे देश में बवाल मचा पड़ा है, ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है नरसिंहानंद को जो है कहीं छिपा दिया है, इनको मिलने भी नहीं दे रहे हैं। अब हमें तो ये भी यकीन नहीं है कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया भी है या नहीं, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार करती तो इसकी वीडियो जो है कहीं ना कहीं दिखाई देती, इसका कोई भी गिरफ्तारी का वीडियो कहीं पर भी नजर नहीं आया है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता नहीं भाई, मैं तो सफा कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ, अगर इसको अरेस्ट किया जाता तो इसका कोई ना कोई वीडियो वायरल आता, और इसका कोई भी वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है, कोई वीडियो इसका कोई वायरल नहीं है। और ये वीडियो जो दिखाया जा रहा है ये बहुत पुराना वीडियो है, क्योंकि ये एक बार नहीं यार, इस बंदे ने हद कर दी है। पहले भी जेल जा चुका है, पहले भी जेल से आ चुका है, पहले भी ये उल्टी सीधी बातें करता था, उसके बाद इसको जेल में बंद कर दिया गया था, अब ये फिर पिंजरे से बाहर आ गया, फिर ऐसी ऐसी गुस्ताखी कर रहा है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। कोई इसको समझाने वाला नहीं है, कोई इसको क्यों समझाएगा, जब लोग इसको भड़कावा दे रहे हैं, लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर इसको कोई समझाने वाला हो तो एक जवान से एक वर्ड नहीं निकाल सकता। अगर इसके साथ वही हो जाए जो एक मुजरिम के साथ होता है तो कभी जिंदगी में, बता रहा हूँ कि जवान से बोल रहा हूँ, लिख के ले लो, अंगूठा लगवा लो, कभी जिंदगी में ये बंदा, कभी जिंदगी में अगर ये किसी को भड़काओ बयान दे दे, किसी को गलत बोल दे तो मूछ रखनी छोड़ दूंगा। ये जवान से कह रहा हूँ अंगूठा लगवा लो, अगर इसके साथ भी ऐसा हो जाए जो और मुजरिम के साथ होता है, अगर ये अपनी माँ को नानी ना कह जाए ना तो जिंदगी में किसी को गलत नहीं बोलेगा, किसी धर्म को लेकर या किसी मजहब को लेकर या हिंदू को लेकर या मुसलमान को लेकर या नेता को लेकर किसी को नहीं बोलेगा, अगर इसके साथ वही हो जाए जो एक मुजरिम के साथ होता है, बताओ। तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि पता चल जाए, देखो ये जो लोग हैं किस तरह की सोच रख रहे हैं मुसलमान के लिए, कि मुसलमान तलवार लेकर घूम रहे हैं, उनके पास तलवार रहती है, और पाकिस्तान चाइना जो है मुसलमानों को हथियार देता है, ऐसी ऐसी ये
गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, खबर फैला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और अगर आप हिंदू हो या मुसलमान हो तो हिंदू भाई मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मेरी यही रिक्वेस्ट है, देखो इन लोगों के चक्कर में ये लोग हमें कभी भी एक नहीं होने देने के। हमारा भारत देश जो है वो अमन का देश है, और हमारा भारत देश जो है अमन का देश है। ये देश ये सिखाता है कि इस देश के अंदर हर जाति की रिस्पेक्ट की जाती है, हर धर्म का रिस्पेक्ट किया जाता है, और यहाँ के हर लोग भाईचारे की तरह रहते हैं। ये याद रखना, अगर इन जैसे लोग समाज में रहेंगे तो कभी भी देश की तरक्की नहीं होने की है, और हमेशा हमारे देश की बेइज्जती कराते रहेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर ये लोग जो है ये सिर्फ धर्म को लड़वाने वाली हमेशा बात करते हैं। अगर मेरी बात कोई आपको गलत लगी हो इस वीडियो में तो उसके लिए सॉरी कह रहा हूँ, पर मैंने जो भी कहा है एकदम रियल कहा है। इस वीडियो को लेकर मैंने जो भी कहा है बिल्कुल रियल कहा है। आप अगर हिंदू भाई हो तो अपना कमेंट जरूर लिखना, अगर मैंने कोई बात गलत करी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मुसलमान भाई हो तुम भी अपना प्यारा कमेंट करना कि इस गुस्ताखे रसूल को क्या से क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर जाना। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।